प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो कक्षा सातवीं के विद्यार्थियों के लिए है और विषय है हिंदी। मैं आज आपका हिंदी का एक पाठ लेकर आया हूँ कक्षा सातवीं के विद्यार्थियों के लिए। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं और आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल ये चैनल आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। इस चैनल पे बहुत सारे क्लास का वीडियो अपलोड किया गया है। यदि आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च कीजिए, आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा। आज मैं 7 क्लास का हिंदी का एक पहला वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम है मीरा के पद। और ये आपके जो पहला यूनिट टेस्ट होने वाला है उस परीक्षा में यह पाठ आएगा, तो आप इसे अच्छे से अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख के रखिएगा और इसे आप लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये आपको परीक्षा में हूबहू इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। मैं चैप्टर वाइज आपका सारा सब्जेक्ट का MCQ SAQ और लॉन्ग क्वेश्चन दे दूंगा, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक बाद में कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। पहला जो हमारा क्वेश्चन है मीरा के पद से कक्षा सातवीं के विद्यार्थियों के लिए, गिरधर का अर्थ है। तो गिरधर का अर्थ क्या होता है, देखिए उत्तर दिया हुआ है गिरी को धारण करने वाला। क्या होता है अर्थ, गिरी को धारण करने वाला, ये देखिए। दो नंबर को देखिए, ख नंबर, यह आपका पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न है उसी को मैं अभी सोल्व करा रहा हूँ कि कृष्ण ने किसकी लाज बचाई, तो द्रौपदी की। राजा हरिश्चंद्र किसके यहाँ काम किए थे, तो डोम के यहाँ उन्होंने काम किया था। ओके, आगे देखिए, बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा। इंद्रासन पाने के चक्कर में पताल कौन गया था, तो बलि ने। कौन, देखिए उत्तर दिया हुआ है बलि। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखिए, मीरा किसकी भक्तन थी, तो मीरा श्री कृष्ण की भक्तन थी। द्रौपदी की लाज किसने और कैसे बचाई, तो द्रौपदी की लाज श्री कृष्ण ने वस्त्र यानी साड़ी बढ़ाकर बचाया। कृष्ण के होठों पर क्या सुशोभित हो रहा है, तो कृष्ण के होठों पर मुरली सुशोभित हो रहा है। गौवन के रखवारे किसे और क्यों कहा गया है, तो गौवन के रखवारे श्री कृष्ण को कहा गया है क्योंकि वे गायों को रखते थे और उनकी देखभाल करते थे। विष से अमृत करे का अर्थ क्या है, तो मीरा के ससुर राणा संगा ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा था, परंतु प्रभु की कृपा से विष अमृत बन गया, मीरा पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यदि आप इन सभी का PDF चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको PDF ही मिल जाएगा। चलिए बोधमूलक प्रश्न, यही ये जितने भी प्रश्न हैं आपके पाठ्य पुस्तक में हूबहू लिखा हुआ है, बस इसे अपने कॉपी पे उतारना है, याद करना है और एग्जाम में अच्छे स्कोर लाना है पहला यूनिट टेस्ट में। देखिए मीरा के नेत्रों में कृष्ण का कौन सा रूप बस चुका है, तो मीरा के नेत्रों में कृष्ण का वह रूप बस चुका है जो मन को मधुर कर लेती है, जिसका रूप सांवला सलोना है, आंखें विशाल है, मस्तक पर मोर मुकुट, कानों में मकर के आकार के कुंडल, मस्तक पर लाल टीका, अधरों पर मुरली, वक्ष स्थल पर वैजयंती माला, कमर की करधनी में छोटी छोटी घंटियां तथा पैरों में नुपुर शोभाय मान हो रहा है। नुपुर माने होता है पायल। कृष्ण ने अपने किन किन भक्तों की कैसी रक्षा की, तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज की रक्षा भरी सभा में उसका चीर यानी साड़ी बढ़ाकर, भक्तन प्रहलाद की रक्षा नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप को मारकर जल में डूबते हुए, गजराज की रक्षा उसे जल से बाहर निकालकर की। अगला देखिए गोकुल के प्रभात का वर्णन कीजिए,
तो गोकुल में प्रभात हो जाने पर हर घर के दरवाजे खुल जाते थे, सभी लोग जग जाते थे, गोपियाँ दधी यानी दही मथने लगती थी, उनके कंगन की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती थी। कृष्ण के दरवाजे पर देवता और मनुष्य सभी उनके दर्शन के लिए खड़े हो जाते थे। गोप बालक मिलकर श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगते थे। कर्म गति टारे नहीं टरे के संदर्भ में मीरा ने किन किन उदाहरण को प्रस्तुत किया है, तो कर्म गति टारे नहीं टरे के संदर्भ में मीराबाई ने जो उदाहरण दिया है उसके अनुसार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को वाराणसी में डोम के यहाँ काम करना पड़ा। पांडवों को कुंती तथा द्रौपदी सहित हिमालय के बर्फ में गढ़ जाना पड़ा। बलि ने स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया पर उसे पताल जाना पड़ा। चलिए अब कुछ देख लेते हैं, हमारा निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ व्याख्या कीजिए। तो उठो लाल जो भोर भई है, सुर नर ठाडे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। देखिए तो प्रस्तुत पद में माता यशोदा प्रातः काल अपने प्यारे कन्हैया को जगा रही है। माँ यशोदा जी कह रही है कि मेरे प्यारे वंशी वाले लाल कन्हैया जाग जाओ, रात बीत गई, सुंदर प्रभात हो गया, प्रत्येक घर के दरवाजे खुल गए, सभी घरों के लोग जाग गए हैं, गोपियाँ दही मथने लगी है, उनके दही मथने की ध्वनि सुनाई पड़ती है, उनके कंगन की झनकार गूंज रही है, प्यारे लाल उठो, सवेरा हो गया है, दरवाजे पर देवता तथा मनुष्य सभी तुम्हारे दिव्य दर्शन के लिए खड़े हैं, सभी गोप बालक मिलकर तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, मैं हाथ में मक्खन रोटी ली हूँ, तुम तो गायों के रक्षक गोपाल हो, उठो, गिरी को धारण करने वाले प्रिय चतुर श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए मीराबाई कहती है, हे प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, मैंने आपका आश्रय ग्रहण किया है, अतः आप मेरा इस संसार सागर से उद्धार कीजिए। अब देखिए दूसरा ब नंबर, यज्ञ किया बलि लेन इंद्रासन से पताल धरे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर विष से अमृत करे। तो प्रस्तुत पद में मीराबाई का कथन है कि इस संसार में हर व्यक्ति को अपने अच्छे बुरे कर्म का फल भोगना पड़ता है। मीरा कहती है कि अपने कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है, कर्म की गति टालने से भी नहीं टल सकती। पौराणिक उदाहरणों के जरिए इस तथ्य को मीराबाई द्वारा अच्छी तरह से समझाया गया है। उनके अनुसार प्राचीन युग में राजा हरिश्चंद्र बड़े ही सत्यवादी थे पर उन्हें भी अधम के यानी डोम के घर पानी भरना पड़ा, अर्थात उनके यहाँ उन्हें नौकरी करनी पड़ी। पांडवों ने महाभारत युद्ध में विजय हासिल की, उनकी वीरता अनोखी थी पर पांचों पांडव सहित कुंती तथा द्रौपदी सभी को हड्डियाँ हिमालय पर्वत के बर्फ में गड़ गई। राजा बलि ने इंद्र का सिंहासन पाने के लिए यज्ञ किया लेकिन वह स्वर्ग नहीं पहुंच सका बल्कि उसे पाताल में जाना पड़ा। मीरा बाई का मानना है कि गिरिधर गोपाल ही उनके जीवन के सर्वस्व है। प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से विष को भी अमृत बना दिया, उसके ससुर राणा संगा ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, प्रभु ने उनकी रक्षा के लिए विष को अमृत बना दिया। अब चलिए व्याकरण एवं बोध संबंधी प्रश्न को आप देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ पे देखिए सुशोभित, तो शोभित यहाँ पर जो है गलत लिखा हुआ है, सही यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है, ये इसका सही शब्द होगा। उसके बाद शब्द, तो यहाँ पे शब्द देखिए कैसे लिखाएगा सही, शरीर गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका सही होगा।
और सत्यवादी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये सही होगा। कारण देखिए, कारण को गलत लिखा हुआ है, ये आपका सही होगा। ओके, आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है नंदलाल की पर्यायवाची क्या क्या हो सकती है, देखिए कृष्ण, श्याम, मोहन, गिरिधर, कन्हैया, ये हुआ नंदलाल की पर्यायवाची। नीर, नीर का पर्यायवाची क्या क्या होगा, जल, पानी, तोय, वरी। ओके, आप कोई तीन लिख कर याद कर लीजिएगा, हो जाएगा इसी से। शरीर, शरीर की पर्यायवाची तन, काया, देह, बदन। और रजनी की पर्यायवाची रात, निशा, रात्रि, रैन। और विष की पर्यायवाची जहर, गरल, हलाहल, माहौर। देख रहे हैं ना आप लोग सभी। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो अमृत का क्या है, विष। पताल का आकाश, भक्त का भगवान। और सावरी का गोरी, दधि का दूध। निम्नलिखित निम्न शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो गिरिधर, गिरिधर का क्या अर्थ होता है, श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण को गिरिधर कहते हैं, वाक्य बन गया। गजराज, गजराज का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ हाथी। भगवान ने जल में डूबते गजराज को, गजराज के प्राण की रक्षा की थी, तो ये इसका वाक्य बन गया। पीर, पीर माने होता है पीड़ा। भगवान अपने भक्तों की सुमिरन करते ही पीड़ा हर लेते हैं, पीड़ा माने कष्ट। माखन, माखन माने मक्खन। बच्चों को माखन रोटी अच्छी लगती है, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन कौन मक्खन खाया है। इंद्रासन, स्वर्ग के राजा का सिंहासन। तो देखिए, बलि ने इंद्रासन को पाने के लिए यज्ञ किया था। तो बस इस वीडियो में इतना ही होगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।